अरे मोड़ा, चाय की तक थी। चाय की तक भैया 10 रुपया की दाम। ये लो 7 रुपया। बताओ चाय तो 10 की आती। ये नालायक है। पतवा तो ने कछु है नहीं यहाँ। कल से देश में GST कानून लग गया है। अब हर चीज 30% सस्ती। बताओ जो तो टैक्स देता ही नहीं यहाँ। अच्छा बेटा, दो दो अपराध हैं। एक तो ससुर तुम टैक्स नहीं दे रहे, ऊपर से कानून भी तोड़ रहे हैं। लगा जेटली को फोन। इतने देखो बेटा, कानून तोड़बे को हक जा देश में सिर्फ VIP नहीं को है। तुम चुपचाप कानून को पालन करो, हर चीज 30% सस्ती, नहीं तो अगली चाय जेल ही में बनाई हो। रेंदो दाम नादान मोड़ा है, लेकिन जा बताओ जो GST को बड़ा हल्ला हो रहा हो तो पास कैसे होगा। अरे पास कैसे होगा, कछु हो थे जा देश में हमारे बिना हैं? कल सुबह भुनसारे उठे हते कहते एक बार जेटली को फोन आ गो। मंत्री जी। अब मंत्री हुई है तुम आए, हमारे तो चेला हैं। सो फोन पे चरण स्पर्श करने लगे। और फिर बोले दाऊ अब GST फंस गयो है। तो हमने कहीं ट्रैक्टर भेज दे रहे सुकाल लो। अरे बोले दाऊ खेत में नहीं फंसो, संसद में फंसो है। सो हमने कहा यार तुम लोग ना किसी काम के नहीं हो, सबके सब नालायक, मुंह उठाए चले आते हो। वो विजय माल्या भाई संसद में से पूरों को पूरों कड़ गो, और तुमसे एक GST नहीं कर पा रहा कहे। सो घिघियान लगे, बोले अरे दाऊ जे लोग वोटिंग ही नहीं होंदे, वोटिंग से पहले ही भाग जा सबके सब। हमने कहीं नाला है ना तुम लोग, साले से नहीं जीजा से बात करो ने। सो बोले दाऊ तुम ही लगा लो ने फोन। सो हमने जीजा है फोन लगा दो तुरंत ही। कह रहे GST कारी ने कर रहा हूं। सुबह ने एक टेढ़े होने लगे। अरे बोले दाऊ उसमें हमारा क्या हाथ है, हमसे क्या हम। हमने कहा हमें सब पर तो तुम्हारे हाथ, कहते एक जमीन है तुम्हारी हरियाणा में, लगाए CBI को फोन। सो लेन पे आ गए। अरे बोले दाऊ तुम टेंशन का ले रहे, कल सुबह तुम्हें उठवे से पहले ही निकल जाए GST, और जहां से निकालने वहां से आओ, पेपर में ही छपो सीधे। सुबह उठाओ हमने पेपर कड़गाओ GST। अब लो GST के मजे। आओ।